राजनीति से रोजगार तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, आपके साथ सच की बात परमार्थ आवास पर। सुशासन की राज में लगातार हो रहे महिलाओं पर अत्याचार, वहीं आज ताजा मामला मधेपुरा जिला के ग्वालपाड़ा प्रखंड अंतर्गत महारगंज पंचायत से जुड़ा है। आपको बता दें कि एक पति से प्रीत महिला अपनी बच्चों के इलाज के लिए जहां दर दर भटक रही थी, पैसों के अभाव में अपनी बेटी का इलाज नहीं करवा पा रही थी। लगातार पति के अत्याचार से तंग आकर पत्नी ने किसी कीटनाशक दवाई घर में रखी थी खाने के लिए, लेकिन वे कहावत है, जाको राखे साइयां मान सके ना कोई, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। अब उल्टा क्या हुआ, हम आपको बता रहे हैं कि एक बच्ची अपने माँ की जान की रक्षा के लिए 10 साल की बच्ची ने पी ली कीटनाशक दवाई, तब जाकर परिजनों ने आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए दर दर भटकने लगा, तभी उसी पंचायत की मसीहा बनकर निकले ट्विंकल कुमार उस बच्ची को लेकर मधेपुरा आयुष नर्सिंग होम पहुंचे। वहां समुचित इलाज होने के बाद बच्ची खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं मधेपुरा शहर स्थित न्यू बाईपास रोड आज़ाद नगर आयुष नर्सिंग होम के डायरेक्टर मनीष कुमार ने बताया कि उनके इलाज समुचित व्यवस्था से करवा दी गई है, लेकिन परिजनों के द्वारा अभी तक एक भी रुपया जमा नहीं किया गया, जिसके लिए उन बच्ची के आगे के इलाज के लिए अस्पताल को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब सुनिए क्या कुछ कहती हैं एक पति से प्रीत महिला। जी बताइए, तो क्या मामला हुआ है आपके साथ? हमारा सर घर में पहिने बड़ बढ़िया रहे, 300 टका रहे, जा छोट वाले कम बड़ रकम सम कम तो कुछ दिन लगते समय, तकर बाद सर की कर के हरे राम ज्यादा टका लिए लागे योर लागे टका के लिए लागे, तो हमारा घर में विवाद बढ़े लागे, हमारा विवाद बढ़े लागे, रहते रहते कुछ दिन तक टका लेते हमर मतना से सीधा माथा सीधा माथा के छे, तो देते देते टका अपन घर में जो लड़ाई हुआ लागे कुकर हुआ लागे, तो लड़ाई होते होते उनके बाद हमारा घर में अलग कर दें चोर मतलब डराने के लिए आप अपना बच्चा को जहर दे दिए? तो अपना खाए ले, अपना खाने के लिए ला, अपना खाए के लिए ला लिए, हमर बच्चा की कहते जे जहर चढ़ा ले, हमरा करके की कुतवा ला
अखनी कोई देखिए ना करे छै तीनो भाई के उमर निकल के पहले हमें नहीं पड़ा कि मरबो थोड़ी इसके कष्ट त देले छै तू रात के हमने मर ओकरा से। अभी आपका बच्चा कहां है? अखनी हमर बच्चा कौन बच्चा देखो। अरे जो बच्चा आपका दवाई खाए वो बच्चा कहाँ है अभी? कौन हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में आयुष नर्सिंग होम। कौन हॉस्पिटल में? आयुष आयुष नर्सिंग होम। कितना दिन से? 4 दिन सर भाग गए। 4 दिन से आप जो कंप्लेन थाना में किए हैं तो उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है? कहीं नहीं, कोई नहीं सुन रहा है। अब महिला थाना गए हैं? जी आए चलिए महिला थाना हम बोल सकते हैं। वहाँ क्या बोला गया आपके से? महिला थाना में कल के कि हम फोन करे छे बलन यादव के नंबर दे के फोन करे छे आ तकर बाद सांस के और पति चले जाओ। वो पति हमर चाल बैठ के यहू में का कांड में का सर हमरा फसा दे छे। ई डॉक्टर जे क्लिन कर डॉक्टर जे ले हमरा साथ पहले हमर पति गले ओकरा को जे ओकरा ला के जा हमने तो कहे हमें तो बेबस लिए हम दौड़िए थाना पर कहे मोर जी के तो मारगम छे पचा दे बहुत लाश से पचे के नीक नीक हम जा छे हमें तो पचे ले नहीं दे। तो आप अपना बच्चा को लेके किसके साथ आए थे? जी क्लिन पर डॉक्टर के साथ। वही लेके आए थे? वो हमर पति गले ओकरा से रहे जा जो तू ला गले के ओकरा डॉक्टर हम ओकरा साथ लिए वो ले ले चले तू जते ला के जते सर होतै ना हमें तो जितिए सरकारी में हमरा नहीं जान रहा है तुझो ऊपर के कि जो नुकसान भाग तो सरकारी में हमें सोचने के ऊपर कल जब हमर बुढ़ा फोन क्या देते जल्दी आ जाएगा तो कौन टका लागते हमर तो नहीं लागते टका आप ही तो जवाब दें टका के जब हमरा जाते कर दे जाएगा करते कि क्या नाम हुआ आपका? जी रखा दे घर महाराज वार्ड नंबर 15 जिला